Hello students, my name is Manpreet Singh and I welcome you all to the channel of Skylet Educators and to the CUT Accountancy MCQ Practice Series 1.0 जिसमें हम लोगों का टारगेट है टोटल 1000 MCQ सॉल्व करना और अभी तक हम टोटल 100 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। सो आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 101। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। देखिए सो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, दैट इज ए एंड बी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 and they admitted C as a new partner for 1/5 share. So एक नया partner admit हुआ 1/5 share के ऊपर. After that capital of A B were rupees 4,50,000 and 1,50,000. After that C brought rupees 2,50,000 as capital and the value of goodwill of the firm on C's admission. So basically एक hidden goodwill का case है जिसमें हमारे पास A और B की capital दी गई है, C की भी capital दी गई है, लेकिन firm की goodwill हम लोगों से पूछी जा रही है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो वैल्यू ऑफ दी बिजनेस फाइंड आउट करते हैं। और वो कैसे हम लोगों को पता चलता है कि जब हमारा नया पार्टनर एडमिट होता है उसकी जो भी कैपिटल है, जिस भी शेयर पे वो एडमिट हुआ उसके शेयर के रेसिप्रोकल से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। सो हम अज्यूम करते हैं कि अगर टोटल वर्थ ऑफ द बिजनेस इज एक्स और उस एक्स का 1/5 अगर 2,50,000 है तो वो ओरिजिनल वैल्यू कितनी हुई, तो हम इसको रिवर्स कर देंगे 5/1, सो दैट इज 12,50,000। अब इस 12,50,000 में से माइनस करेंगे सिर्फ कैपिटल्स ऑफ दी पार्टनर। सो पार्टनर्स की जो कैपिटल है देखिए वो कितनी है, ए एंड बी, सॉरी हाँ ए एंड बी ही है पार्टनर। सो ए की जो कैपिटल है दैट इज 4,50,000, इसमें प्लस करेंगे हमारे बी पार्टनर की कैपिटल जो कि है 1,50,000 एंड न्यू पार्टनर्स कैपिटल जो कि है 2,50,000। अब इन तीनों का जो सम है वो आ रहा है आपके पास 6 एंड 8,50,000। अब 8,50,000 को माइनस करेंगे 12,50,000 में, सो आंसर इज 4,00,000 रुपीज। अब हमसे यहां ध्यान रखना है कि नए पार्टनर की गुडविल नहीं पूछी गई है, फर्म की गुडविल पूछी गई है। सो जो फर्म की गुडविल आ रही है दैट इज 4,00,000 रुपीज, ठीक है। तो मैं यहां लिख भी देता हूं फर्म्स गुडविल, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है दैट इज डी पॉइंट, क्योंकि डी में हमें ऑप्शन में दिया गया है फर्म्स गुडविल इज 4,00,000 रुपीज। चलिए सो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ। सो इट सेज दैट एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स On 31st 21 the firm shows the value of total assets. Okay, so हमें total assets की value यहाँ पे given है, outsider liabilities की value हमें यहाँ पे given है, हमें यहाँ पे इस बार capital नहीं given। तो आपको याद होगा 11th class में हम लोगों ने एक formula पढ़ा था that assets is equal to the sum of liability and capital। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, assets minus liability is equal to capital of the business। So asset अगर हमें पता है 540 है, लाइबिलिटी हमारी 1,00,000 है, सो एसेट में से लाइबिलिटी हम लोग माइनस करेंगे तो हमारी जो कैपिटल है वो आ जाएगी 4,40,000। अब ये जो 4,40,000 आई है ये कैपिटल ऑफ द बिजनेस का मतलब है ये एक्स और वाई जो पुराने पार्टनर है उन दोनों की कैपिटल का सम है, ठीक है। आगे चलते हैं, जेड जो है वो एडमिट हुआ 1/4 शेयर के ऊपर, आफ्टर दैट ही ब्रॉट 2,00,000 एज कैपिटल एंड ही विल ऑल्सो ब्रिंग नेसेसरी कैश फॉर द प्रीमियम फॉर गुडविल। इसका जो इम्पैक्ट है ऑन वाइज कैपिटल अकाउंट पूछा जा रहा है। तो जैसे नया पार्टनर कैपिटल लेकर आता है, सॉरी कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है, तो हम जनरल एंट्री पास करते हैं कैश अकाउंट डेबिट प्रीमियम फॉर गुडविल एंड न्यू पार्टनर्स कैपिटल। आफ्टर दैट वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो पार्टनर्स को सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया जाता है। सो यही पूछ रहा है कि हमारा जो कैपिटल अकाउंट ऑफ वाई है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है। तो इसके लिए हमें पूरा ये सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस, की बिजनेस की जो वैल्यू है वो क्या है, टोटल वर्थ ऑफ द बिजनेस। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जेड की जो कैपिटल है 2,00,000 इसको इसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि है 1/4 शेयर, सो 4/1। सो हमारी टोटल वर्थ ऑफ द बिजनेस कितनी आ गई, 8,00,000 रुपीज। अब इसमें से हम लोग लेस करेंगे कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर, सो 4,40,000 ए और बी की है यानी एक्स और वाई, और इसमें हम लोग एड कर लेंगे नए पार्टनर की जो कि है 2,00,000 रुपीज, राइट। सो टोटल जो कैपिटल्स हो गई वो कितनी होगी, 6,40,000। अब हमारे पास इसको माइनस करके ये जो 1,60,000 आया है, दिस 1,60,000 इज फर्म्स गुडविल। क्या है ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही बिल्कुल सिमिलर है, ये आ गई हमारी फर्म्स गुडविल। अब हमें क्या चाहिए, हमें पार्टनर की गुडविल चाहिए सबसे पहले। तो जेड जो है वो कैश में गुडविल कितनी लाएगा, सो 1,60,000 फर्म की गुडविल मल्टीप्लाई बाय 1/4 शेयर, जेड का जो शेयर है दैट इज 1/4, सो दिस इज 40,000। अब आप चेक कीजिए कि प्रीमियम फॉर गुडविल जो 40,000 आएगा वो x एंड y को उनकी सेक्रीफाइजिंग रेशियो में दिया जाएगा। सो क्योंकि यहां पर हमारे पास ओल्ड रेशियो नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे दैट ओल्ड रेशियो इज 1:1, सो ऑटोमेटिकली हमारी ओल्ड रेशियो ही हमारी सेक्रीफाइजिंग रेशियो बन जाएगी। क्योंकि जब हमारे पास नए पार्टनर का जो शेयर है वो किसी पर्टिकुलर रेशियो में अक्वायर नहीं किया जाता और मेंशन भी नहीं किया जाता, तो उस केस में हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही पुराने पार्टनर जो है वो अपना शेयर सेक्रीफाइस करते हैं इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। सो हमारी सेक्रीफाइजिंग भी यहां पर क्या है, इक्वल है। सो दोनों पार्टनर्स को कितना अमाउंट मिलना चाहिए, 20,
राइट। सो 20,000 जो है वो वाई को क्या होगा, क्रेडिट होगा। इसकी एंट्री बनती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, राइट। सो अब यहाँ पे क्रेडिट है, क्रेडिट विद 45 ये आंसर नहीं है, 40 भी नहीं है। ओके सो 20,000 ये रहा हमारा क्रेडिट विद 20,000 रुपीज। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। ओके सो अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 103। ओके सो 103 सेज अनीता एंड बबीता आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। दोनों पार्टनर की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दी गई है। आफ्टर दैट न्यू पार्टनर एडमिट होता है वो 1/5 शेयर के ऊपर होता है। देन सविता वॉज अनेबल टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल। अब वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल उसका जितना भी शेयर बनता था, वो नया पार्टनर वो गुडविल का शेयर लेकर नहीं आ रहा है, तो हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर लेंगे, जिसकी एंट्री हमें यहाँ दी भी गई है। सो एंट्री क्या बनती है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। ओके सो इसके बाद हमें पूछा जा रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी तीनों पार्टनर्स के बीच में। ओके सो इस नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हमारे पास ओल्ड प्रॉफिट शेयर होता है, हमारे पास न्यू शेयर होता है, तो हम सेक्रीफाइस निकाल लिया करते हैं। इस बार हमारे पास सेक्रीफाइस है और हमें न्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो सेक्रीफाइस कहां से आएगा, क्योंकि ये जो एंट्री है ये कौन सी रेशियो में होती है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होती है। सो अगर 8,000 और 6,000 का अमाउंट हमें यहाँ दिया गया है, सो 16,000, ठीक है। सो इनकी जो रेशियो आ जाएगी दैट इज 1:2। अब कई बार क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि जो सेक्रीफाइस है वो 1/3 एंड 2/3 है, लेकिन एक्चुअल में ये जो शेयर है ये सेक्रीफाइस नहीं है, क्योंकि ये जो शेयर है 1:2, नो डाउट कि 1:2 में आप लोगों ने प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटा है, लेकिन वो उसके शेयर को बांटा है, फर्म की गुडविल को नहीं। तो ये होगा कैसे सॉल्व, मैं बताता हूँ, ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा, राइट। सो ये कैसे होगा, हमारा जो नया पार्टनर एडमिट होता है सविता, सो सविता शेयर हम पहले लिखेंगे यहाँ पे, सविता शेयर इन द फर्म इज इक्वल टू 1/5। सो ये जो 1/5 शेयर पे सविता एडमिट हुई है, इस शेयर का जो अनीता है, अनीता ने इसका कितना सेक्रीफाइस किया, अनीताज सेक्रीफाइस। अब ये कैसे निकलेगा ध्यान से देखिएगा। सो 1/5 शेयर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, ये जो रेशियो है इसमें मैंने डिवाइड किया इसको, ठीक है। सो 1/3 जब आप करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/15। सो दिस इज द एक्चुअल सेक्रीफाइस, ये क्या है, ये एक्चुअल सेक्रीफाइस है जो हमारे पार्टनर ने किया है। ऐसे ही आएगा बबीता का शेयर, राइट। सो देखते रहिए, सो 1/5 शेयर का मल्टीप्लाई बाय 2/3, सो ये आ गया है 2/15। अब आप ध्यान से देखिए, आपने क्या किया, जब आपने एक्चुअल में ये जो शेयर निकाला होगा ना 1-1/5 करके, तो उस टाइम पे ये वो शेयर्स हैं जो एक्चुअल में सेक्रीफाइस किए हैं हमारे ओल्ड पार्टनर्स ने, राइट। सो अब आप देखो कि आपका फॉर्मूला क्या बनता है सेक्रीफाइजिंग का, सेक्रीफाइजिंग इज ओल्ड माइनस न्यू। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए न्यू, तो न्यू का फॉर्मूला क्या बन गया, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, राइट। फॉर्मूला समझ आ गया कि अगर न्यू शेयर आपको निकालना है तो जो भी उनका ओल्ड शेयर था उसमें से उनका सेक्रीफाइस माइनस कर दिया जाए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम छोटा करेंगे ताकि कैलकुलेशंस कर पाए। चलिए आइए, सो अब न्यू रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग सविता, सबसे पहला पार्टनर है अनीता, सो अनीता का शेयर निकालते हैं। देखिए, सो अनीता का जो ओल्ड शेयर है दैट वॉज 3/4, और इसमें से इसने कितना सेक्रीफाइस किया, इसने सेक्रीफाइस किया 1/15। अब ऐसे ही आया बबीता का शेयर, तो इसका शेयर था ओल्ड 1/4, और इसने कितना सेक्रीफाइस किया, इसने सेक्रीफाइस किया 2/15, राइट। ओके सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो ये हो गया आपके पास 60, सो ये आ जाएगा 45 माइनस 4, सो 41/60। सो इसमें ये नजर आ रहा है, पर फिर भी हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं 60। आफ्टर दैट 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7/60, राइट। और जो नया पार्टनर है सविता, इसका जो शेयर था दैट वॉज 1/5, तो इसको 60 अगर मुझे बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 से, राइट। सो 12/12, सो ये आ गया है 12/60। सो हमारी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन रही है दैट इज 41:7:12, राइट। सो दिस इज द आंसर ऑप्शन नंबर ए। सो ये जो कैलकुलेशंस हैं, आप इन कैलकुलेशंस को नोट कर लीजिए, और ध्यान रखना है हमेशा कि ये इस तरीके से कैलकुलेट नहीं होगा। आपको जो भी नया पार्टनर है उसके शेयर को इस सेक्रीफाइस से मल्टीप्लाई करके एक्चुअल सेक्रीफाइसेस जो हैं वो कैलकुलेट करने हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ। देखिए, सो इट सेज कि विनोद एंड ऋषि आर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग कैपिटल ऑफ ₹54 and 36। हमारे पुराने पार्टनर्स की कैपिटल हमें यहां दी गई है। आफ्टर दैट एक कमलेश नाम का पार्टनर एडमिट हुआ, कितने शेयर पे, 1/3 शेयर के ऊपर, एंड ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ कैपिटल। सो कैपिटल ऑफ कमलेश हमें फाइंड आउट करनी है। सो देखिए, अगर टोटल जो शेयर ऑफ द फर्म है इज इक्वल टू 1, सो इसमें से अगर 1/3 जो है ये अक्वायर कर लेता नया पार्टनर, सो 2/3 बेसिकली क्या है, 2/3 ऑफ द फर्म शेयर इज कंबाइंड शेयर, ठीक है। सो ये क्या है, ये कंबाइंड शेयर है किसका,
हमारे ओल्ड पार्टनर का, ऑफ ओल्ड पार्टनर। सो आप ध्यान से सुनिएगा कि अगर मान लीजिए कि दिस इज योर कैपिटल और इसमें से वन थर्ड जो पार्ट है, ये वन थर्ड पार्ट जो है अगर ये नया पार्टनर अक्वायर कर लेता है, सो ये जो टू थर्ड बचा हुआ पार्ट है ये हमारे ओल्ड पार्टनर्स के पास है। सो हमारे ओल्ड पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो है 54 एंड 36। तो इसका एक बार सम कर लेते हैं। सो 54,000 प्लस 36,000, राइट, सो ये आपके पास आ जाएगा 90,000। सो ये जो 90,000 है ये क्या है, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल। अब आप ध्यान से सुनना है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो अगर पूरी फर्म की कैपिटल इज इक्वल टू एक्स अमाउंट, सो उस एक्स अमाउंट का जो 2/3 पार्ट है ये किसके पास है, पुराने पार्टनर्स के पास है, और इस x का 2/3 जो कैपिटल है दैट इज इक्वल टू 90,000। तो ये क्या कह रहा है कि अगर पूरी फर्म में पुराने पार्टनर्स के पास 2/3 शेयर है तो उनकी कैपिटल भी पूरी फर्म की 2/3 होगी। तो अब हमारा जो 1/3 है वो हमें फाइंड आउट करना है कि नया पार्टनर फिर उनके प्रोपोर्शनेट में कितनी कैपिटल लाएगा। तो अब देख लेते हैं। सो अगर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज x एंड उसका 2/3 इज 90,000, सो x इज इक्वल टू 90,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, राइट। सो ये आपके पास आ जाएगा 1,35,000। सो हमें पता चलता है हमारी पूरी फर्म की जो कैपिटल है वो कितनी है, 135। सो न्यू पार्टनर कौन है, कमलेश। सो कमलेश का जो शेयर है वो 135, यानी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म का कितना है, 1/3। सो आंसर इज 45,000। चलिए, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो ये कैलकुलेशन है, एक्सलेट कर लीजिए टोटल कैपिटल को, कंबाइंड शेयर पुराने पार्टनर्स का मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा, या उसके शेयर उनके शेयर के रेसिप्रोकल से भी आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो, टोटल कैपिटल मल्टीप्लाई न्यू पार्टनर्स शेयर। आगे चलते हैं। ओके, सो नाउ इट सीज On the admission of a new partner, the increase in the value of asset is credited to. So, ये revaluation का question है कि जब भी नया partner admit होगा और अगर कोई भी asset की value increase होती है तो ये हमारे लिए gain है। So, assets के ऊपर normal modern approach आप follow कर सकते हो, asset हमेशा क्या होगा, debit होगा। So, gain on asset कहाँ transfer किया जाएगा, revaluation account में, right? So, it will be credited to revaluation account। इसकी जो journal entry बनती है, that is particular asset account debit, जो भी asset है, particular asset account debit टू रिवैल्यूएशन, ठीक है जी। सो इट विल बी क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन का आंसर नंबर सी। देखो, सो ये एक कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन हमारे पास आ गया जिसके ऑप्शंस यहां हैं और मैथ्स दी फॉलोइंग में कुछ पॉइंट्स हमें यहां दिए गए हैं और केस यहां पे दिया गया है। तो एक तरीके का केस स्टडी का क्वेश्चन है। सो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो सीयूटी में ज्यादा आते हैं, ठीक है। इससे पहले जो मैंने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो बिल्कुल स्टैंडर्ड एमसीक्यू और थोड़े लो लेवल के क्वेश्चन थे, यानी आसान थे, बट मुझे फीडबैक मिली कि सर थोड़ा सा लेवल बढ़ाइए, डिफिकल्ट कीजिए क्वेश्चन को। तो उसी टाइप के जो क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर एड किए हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं। ये कह रहा है x एंड y आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3, दे एडमिटेड z एज अ न्यू पार्टनर एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है जिसमें आपका फर्नीचर जो है वो 20,000 है, डेटर 50 है, 5,000 के प्रोविजन है, 45,000 नेट वैल्यू है, एंड स्टॉक की जो वैल्यू है वो 10,000 है। अब ये कुछ फॉलोइंग केसेस हैं। ये कह रहा है दैट ऑल डेटर्स आर गुड। अगर हमारे सारे डेटर्स गुड हो जाते हैं, सो मैं एक रिवैल्यूएशन का रफ अकाउंट बना रहा हूं, ठीक है। ये डेबिट साइड, ये हमारी क्रेडिट साइड। सो अगर हमारे पास ऑल डेटर्स आर गुड तो इट सिंपली मींस कि हमें किसकी नीड नहीं है, हमें प्रोविजंस की नीड नहीं है। सो अगर हमारे प्रोविजंस जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे, यानी खत्म हो जाएंगे, तो हमारा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। सो मैं डायरेक्ट अमाउंट्स लिख रहा हूं। सो 5,000 से रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा प्रोविजन के लिए। आगे चलते हैं। Then it is saying that stock is overvalued by 3,000, कि जो stock है कि 10,000 है और ये 3,000 से ज्यादा लिखा है, तो इसको हमें decrease करना है, हमारा नुकसान है, तो stock जो है वो 3,000 से आ जाएगा यहाँ पर। After that it is saying furniture is brought up to 150%, so furniture अगर 20,000 का था, so ये कहाँ चला गया, ये 150% पे चला गया, तो it means कि इसकी जो value है वो कितनी हो गई, हो गई है 30,000, यानी कि 10,000 से इसकी value बढ़ गई है। So furniture जो है वो यहाँ आ जाएगा 10,000, राइट। सो इट मींस कि अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारी क्रेडिट साइड जो है वो बड़ी है। सो 15,000 माइनस 3,000, सो हमें यहां पर 12,000 का क्या हो रहा है, 12,000 का गेन हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। अब देखते हैं कि हमारा ये कहां पर मैच हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर 1 का जो पॉइंट है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 6/26 एंड प्रॉफिट 12, सो ऑप्शन मतलब पॉइंट नंबर 1 जो है वो सी पॉइंट के साथ मैच हो रहा है, क्योंकि रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट कितना है, 12,000 है। सो अब देखते हैं पॉइंट नंबर 2, ठीक है। मैं अब इसको रब कर रहा हूं यहां से। सो पॉइंट नंबर 2 में सेइंग ऑल डेटर्स आर गुड, ये पॉइंट हमें चाहिए, स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 3, ये भी सेम है, इंक्रीज टू 24, ओके। सो हमारा ये गेन बदलेगा, सिर्फ ये पॉइंट बदलेगा, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। सो नाउ इट इज सेइंग कि फर्नीचर जो है हमारा 24,000 का हो गया,
पहले 20 था तो यानी सिर्फ 4000 से इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा अब 4000। सो क्रेडिट साइड हमारी हो गई है 9000 माइनस 3, सो आंसर इज 6000 का प्रॉफिट। अब आप देखिए कि पॉइंट नंबर 2 जो है वो ए के साथ मैच कर रहा है। अब ना बाकी पॉइंट सॉल्व करने से पहले ना एक बार ये चेक कर लेते हैं, 1 का सी और 2 का ए कहाँ कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, सो 1 का सी यहाँ है और 2 का ए यहाँ पे है, इसके अलावा ये कॉम्बिनेशन कहीं नहीं बनता, तो आंसर तुम्हारा यही है ना। देखिए सो 2 का ए सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट में है, इसके अलावा कहीं नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर ये हो चुका है। अब मैं चाहूं तो इसके बाद सॉल्व ना करूं, लेकिन फिर भी क्योंकि हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं तो मैं 3 और 4 भी आपको सॉल्व करके दे देता हूं। इन एनी केस अगर आपको समझ आ चुका है आप इसको स्किप करके अगले क्वेश्चन पे जा सकते हो, ज्यादा स्किप मत करना कि वीडियो ही खत्म कर दो। चलिए आइए ओके अगला पॉइंट करते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 3, ऑल डेटर्स आर गुड सेम है, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 3000। इस बार पॉइंट जो है वो चेंज कर दिया गया, अंडर वैल्यूड बाय 3000 का मतलब है कि अब हमारा जो स्टॉक है वो 3000 से कम लिखा था, तो अब हमें इसको बढ़ाना है। ठीक है, सो स्टॉक जो है वो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा 3000 से, और इसके साथ साथ प्रोविजन तो हमें चाहिए ही 5000 से, एंड आफ्टर दैट फर्नीचर इज ब्रॉट अप टू 150%। ये पुराना पॉइंट है, सो फर्नीचर जो है वो 10000 यहाँ पर आ गया, सो 10 ये हो गया हमारा 18000 का प्रॉफिट। ठीक है, कितने का प्रॉफिट है, 18000 का, भी इसको भी मैच कर लेते हैं। सो पॉइंट नंबर 3 का जो आंसर है दैट इज डी, सो मैच हो रहा है हमारे यहाँ पर, बिल्कुल हो रहा है। सो ऑटोमेटिकली अब तो लास्ट ही बचा है, सो हमारे पास क्या बच गया है, हमारे पास बच गया है पॉइंट नंबर 4th का बी, सिर्फ ये बच गया। सो अब हमारा यहाँ पर ये सॉल्व हो चुका है, आगे चलते हैं। सो चलिए आइए, सो क्वेश्चन नंबर 107 है, पहले एक मिनट इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो सो क्वेश्चन नंबर 107 सेज जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो देखिए ध्यान से सुनिएगा कि हमारे पास जितनी भी रिजर्व्स पड़े हैं, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस पड़े हैं, वो उनकी ट्रीटमेंट हमेशा ओल्ड पार्टनर्स को की जाती है और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में की जाती है। सेक्रीफाइजिंग रेशियो सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए यूज की जाएगी, इसके अलावा नहीं यूज की जाएगी, ये याद रखना हमने। ठीक है, सो आंसर इज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विदाउट एनी डाउट, आपको कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं है। चलिए सो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 108, अगेन सेम क्वेश्चन है जैसा कॉम्बिनेशन वाला हमने पहला क्वेश्चन किया, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है ये भी, देखिए जरा। सो ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर एट द टाइम ऑफ एडमिशन, स्टॉक दिया गया है हमें, फर्नीचर दिया गया है। सो आई गेस कि इसमें और कोई भी पॉइंट नहीं है, दो तीन है, चलो आओ। सो मैं सॉल्व करता हूँ फटाफट, आसान ही है, ज्यादा टफ नहीं। सो डेबिट एंड क्रेडिट साइड, स्टॉक जो है दैट इज अंडर वैल्यूड बाई 2000, फर्नीचर इंक्रीज टू 21000। तो देखिए स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड था 2000 से, तो अब हमें इसको इंक्रीज करना है, तो स्टॉक जो है वो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हो गया, और फर्नीचर इज इंक्रीज टू 20 से 21000, सो 1000 का हमारे पास यहाँ गेन है फर्नीचर पे, तो इट मीन्स के 3000 का प्रॉफिट है। सो 1 का है पॉइंट नंबर सी, अब चेक कर लेते हैं यहाँ कहाँ कहाँ है। सो 1 का सी जो है वो 2 में है, सो 2 पे हमारा आंसर डिसाइड हो जाएगा, 2 का ए और 2 का डी दोनों में से एक है। चलिए स्टॉक इज रीवैल्यूड एट 12000, जो स्टॉक है वो 12000 पे रीवैल्यू हो गया है, तो पहले हमारा स्टॉक था, अगेन सेम है पॉइंट, ठीक है, क्योंकि इंक्रीज हुआ है। आफ्टर दैट फर्नीचर इज इंक्रीज्ड बाय 20000, ओके, सो फर्नीचर पहले कितना था 20000, नाउ इट इज इंक्रीज्ड बाय 21, तो इट मींस हमें 21000 का गेन हुआ है फर्नीचर पे। अब हमारे फर्नीचर की जो बैलेंस, न्यू बैलेंस शीट जब बनेगी, तो वहां जो वैल्यू फर्नीचर की जाएगी दैट विल बी 41000 रुपीज, ठीक है, यह ध्यान रखना है। सो इट मींस कि अब हमें 23000 का प्रॉफिट है, सो 23000 का प्रॉफिट देखिए कहां पे है। सो पॉइंट नंबर 2 का आंसर इज ए, सो 2 का ए है पॉइंट नंबर सी में, अब 3 का डी और 4 का बी कंपलसरी हो ही जाएगा, आंसर आएगा ही यही, सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो आप देख रहे हो कि ये जो क्वेश्चन है ये काफी हमें बड़ा दिया गया है, लेकिन फिर भी सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट के साथ ये सॉल्व हो जाता है, यानी आपको इसको देख के घबराना नहीं है कि इतना टाइम कैसे इन्वेस्ट करेंगे, आप सिर्फ कोई भी 2 पॉइंट सॉल्व कर लो, 2 या मैक्सिमम 3, तो आपका जो आंसर है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। Okay, so it says X and Y were partners in a firm and Z was admitted as a new partner for 1/5 share in the profit. He brought proportionate capital and capital of XY after all the adjustment were 64 and 46,000. So capital brought by Z was. So ये हमें again same वही question है जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, तो एक काम मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। So इसका जो answer है ये आपने मुझे बताना है कहाँ पर, कमेंट बॉक्स के अंदर। इन एनी केस अगर बाय एनी चांस आंसर आप लोगों का गलत हुआ, सो मैं डेफिनेटली आने वाली किसी ना किसी वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 109 आप लोगों के लिए सॉल्व करूंगा, और इन वीडियोस के थ्रू अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो आपने मेरे लिए एक बिल्कुल छोटा सा काम करना है, मेरी मोटिवेशन के लिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जैसे आपकी सीयूटी मोटिवेशन के लिए मैं काम कर रहा हूं, मेरी मोटिवेशन के लिए आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है कि आप भी काम कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन,
देखिए, सो एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, कैपिटल कंट्रीब्यूशन है 2 लाख ईच, जेड एडमिट हुआ एज अ न्यू पार्टनर और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दी गई है, जेड कैपिटल लेकर आ रहा है 120 और प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है 60,000, फाइंड आउट द कैपिटल बैलेंस ऑफ ईच पार्टनर। सो ओके, सो यहाँ पे कुछ फॉलोइंग केसेस हमें दिए गए हैं, जिन केसेस के अकॉर्डिंग ये कुछ हमें कैपिटल के बैलेंसेस दिए गए हैं कि किस केस के अकॉर्डिंग हमारी कैपिटल बैलेंसेस क्या होने चाहिए। ठीक है, सो सबसे पहले तो देखिए जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया हमें इसकी ट्रीटमेंट सबसे पहले करनी है। ठीक है, सो इसके लिए हमें चाहिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मुला इज ओल्ड माइनस न्यू। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं एक्स का। सो एक्स का जो ओल्ड शेयर है दैट इज 3/5 और वाई का जो शेयर है दैट इज 2/5। अब इन्होंने न्यू शेयर जो इसको मिलता है दैट इज 2/5 और इसको भी मिलता है 2/5। तो हमारा जो जेड है इसने कुछ सैक्रिफाइस नहीं किया, लेकिन हमारा एक्स जो है इसने अपने शेयर में से 1/5 जो है वो सैक्रिफाइस किया इन द फेवर ऑफ जेड, क्योंकि जेड का शेयर भी 1/5 ही है। ओके, सो अब हमारी जो प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री बनती है, ओनली प्रीमियम फॉर गुडविल की मैं एंट्री पास कर रहा हूं। सो कैश अकाउंट डेबिट 60,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल, शॉर्ट में लिखा है मैंने स्पेस को देखते हुए 60,000। आफ्टर दैट ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये पूरा का पूरा मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 60,000 60,000। अब ये है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जब नया पार्टनर हमारा गुडविल लेकर आता है। ठीक है, सो इसके बाद अब जो केसेस दिए गए इनको करना स्टार्ट करते हैं। अब ये कह रहा है दैट गुडविल वाज ब्रॉट बाय जेड एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस। सो दिस इज आवर बेसिक केस कि जब नया पार्टनर गुडविल लाता है और वो गुडविल पार्टनर्स को क्रेडिट कर दी जाती है, वो विड्रॉ नहीं करते। तो इट मींस इसके अकॉर्डिंग अगर हमारा जो एक्स है, मैं कैपिटल से यहां लिख रहा हूं, ठीक है, सो अगर एक्स की कैपिटल 2 लाख है और वाई की कैपिटल भी जो है वो 2 लाख है एंड जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है उसकी कैपिटल है 120। सो केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग इन तीनों में से सिर्फ और सिर्फ एक्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, राइट? सो यानी इसको मिल जाएगा कितना 60,000। सो अब एक्स की जो कैपिटल है वो कितनी हो गई 260 हो गई, लेकिन वाई की कैपिटल 2 लाख है और जेड की कैपिटल 120 है। सो पॉइंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमारा एक्स जो मैच हो रहा है वो हो रहा है पॉइंट नंबर सी के साथ, राइट? सो सी में है एक्स की कैपिटल 60,000 से इंक्रीज हुई है, वाई की रिमेंस द सेम और Z तो हमारा 120 आया है। ठीक है, सो Z की तो हर केस में 120 ही रहने वाली है। अब देखते हैं केस नंबर 2। इफ द 30% ऑफ द प्रीमियम फॉर गुडविल इज विड्रॉन बाय द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब हमारा जो X का अमाउंट है जो गुडविल इसको दी गई है, अगर ये विड्रॉ कर लेता है तो इसकी एंट्री बन जाती है X कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर ये गुडविल विड्रॉ करता है। और कितना विड्रॉ कर रहा है 30%, यानी कि 18,000। ओके, सो मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखिए, सो हमारा X जो है इसका बैलेंस कितना था 2 लाख, हमने इसको कितना दिया 60,000 गुडविल दी। अब जिस 60,000 की गुडविल में से इसने कितना विड्रॉ करा लिया, इसने 18,000 विड्रॉ करा लिया, तो फर्म के पास कितना बचा 2,42,000। अगेन ये दोनों फिर से सेम है, कोई चेंज नहीं। सो अब चेक कीजिए किस पॉइंट पे हमारे पास 242 है। सो ये है डी पॉइंट। सो पॉइंट नंबर 2 का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो बन रहा है डी के साथ। ठीक है जी, अब आते हैं 3 पे। सो गुडविल ऑलरेडी अपियर्ड इन द बुक्स अमाउंटिंग टू 50,000। अगर एग्जिस्टिंग गुडविल भी हमारे पास होती तो हमें उसको क्या करना पड़ता, उसको राइट ऑफ करना पड़ता। सो राइट ऑफ करेंगे तो कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूं। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, उसकी एंट्री बनेगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, डन। सो ये 50,000 और ये जो एंट्री होती है ये कौन सी रेशियो में होती है, ये होती है ओल्ड रेशियो में। चलो, सो 30,000 से एक्स डेबिट और 20,000 से वाई डेबिट। ठीक है जी, अब चेक कीजिए फिर से यहीं पर आते हैं। सो इस बार विड्रॉल नहीं हुआ है। ओके, सो देखो अब हमारा एक्स जो है उसकी 2 लाख कैपिटल थी, 60,000 उसको मिल गया और उसने कितना, उसको कितना डेबिट हुआ है 30,000, उसको पुरानी गुडविल रिटर्न ऑफ हुई है। सो इसकी कैपिटल कितनी रहेगी 230। और हमारा जो वाई पार्टनर है इसको प्रीमियम फॉर गुडविल तो नहीं मिला था, लेकिन जो प्री ओल्ड गुडविल जो राइट ऑफ हुई है एग्जिस्टिंग गुडविल 20,000 इसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ, तो इसका बैलेंस अब रह गया है 180। सो अब हमारे आंसर्स बने 230, 180 एंड 120। सो ये है पॉइंट नंबर सी जो है ये मैच हो रहा है हमारे ए से, यानी थर्ड पॉइंट ए से मैच कर रहा है 230, 180 एंड 120। सो ऑटोमेटिकली फोर्थ का जो आंसर है वो रहने वाला है, कौन बच गया, बी बच गया। ठीक है, सो फोर्थ का बी आंसर है। चलिए आइए, सो अब हमारा कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे जल्दी से। देखिए, सो हमारा सी पॉइंट पे है, मतलब 1 का जो आंसर है दैट इज सी, सो आंसर यहाँ है। उसके बाद 2 का जो आंसर है वो मैच हो रहा है डी से, सो आंसर यहाँ पर है हमारा। ठीक है, और थर्ड का जो पॉइंट है वो मैच हो रहा है हमारा ए से,
थर्ड का ए और फोर्थ का मैच हो रहा है बी से, सो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप कि इस पूरी वीडियो के अंदर मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आपको क्लियर हुए हों। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट ड्रॉप कर दीजिए या क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए कि सर इसमें डाउट है, प्लीज इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, या फिर आप नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबर के ऊपर ये वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर दो, मैं वॉइस नोट के थ्रू आपका जो भी डाउट होगा वो डाउट का आपको आंसर कर दूंगा। अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।